हमारी इस अतरंगी दुनिया में हर समय कुछ न कुछ घटित हो ही रहा है और इन सभी घटनाओं को हमारी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी और मोबाइल कैमरास रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार इन कैमरास में कुछ ऐसी हैरतअंगेज घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं कि इन्हें देखने वाले हर एक व्यक्ति की होश उड़ जाती है। कैमरा में कैद कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली वीडियोस दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक दो पार्ट्स बनाए। दूसरी घड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉकिंग मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 3। लेकिन शुरू करने से पहले आपके एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा। काफ़ी समय से डीप इन्फो चैनल पर वीडियोस कम अपलोड्स हो रहे हैं और पिछले 15 दिनों में तो कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो बता दें कि चैनल पर काम करने वाले हम दोनों भाइयों को एक के बाद एक डेंगू हो गया था, जो कि ये बिल्कुल ठीक है। अब से आपको वीडियोज रेगुलर मिलती रहेगी और पीछे हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सितंबर 2015 के दौरान कैलिफोर्निया में स्थित हार्बर बॉलेवार्ड हाईवे पर एक बड़ा ही अनोखा एक्सीडेंट देखने को मिला। हुआ यूं कि हाईवे पर चल रही कार ड्राइवर लड़की अचानक से अपनी कार को स्लो करती हैं और चलती कार को छोड़कर पैदल चलने लगती हैं। अब कार बिना ड्राइवर के सड़क पर चलने लगती हैं और धीरे धीरे डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी लाइन में चली जाती हैं। गनीमत ये रही कि सामने से आ रही कार्स भी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, जिसके चलते ये सिर्फ एक कार में टकराई और किनारे जाकर रुक गई। महिला इस तरह अचानक कार छोड़कर क्यों भागी, ये तो पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी यह हरकत कई जानों पर भारी पड़ सकती थी। अगर आप भी सड़कों पर खड़े होकर पानी पूरी खाने के शौकीन हैं तो आपको अगस्त 2021 के दौरान असम के गुवाहाटी में स्थित भरालमुख इलाके से वायरल हुई इस क्लिप को ज़रूर देखना चाहिए। ये नज़ारा देखने के बाद आप सड़कों पर भूल कर भी पानी पूरी नहीं खाएंगे। क्लिप में देखा गया कि पानी पूरी बेच रहा है शख्स वॉशरूम के लिए थोड़ी दूर जाने की बजाय अपनी रेहड़ी पर ही खड़े होकर एक पानी के डब्बे में पेशाब करता है और पेशाब फेंककर डब्बा अपनी बाल्टी के ऊपर टांग देता है। जानकारी के लिए बता दें कि ये वही बाल्टी है जिसमें जनाब अपने ग्राहकों की जूठी प्लेट्स धोया करते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इन महाशय को पकड़ तो लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश भर में न जाने ऐसे और कितने लोग हैं जो अपने चंद मिनट्स बचाने के चक्कर में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। ऐसे में डीप इन्फो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि घर से बाहर जब भी खाना खाएं तो दुकानदार के पास सामग्री और उसके बर्तनों की स्वच्छता पर एक नज़र ज़रूर डालें। साथ ही साथ ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मई 2020 के दौरान माइका शाय गुडरम नामक एक इंस्टाग्राम यूज़र ने अपनी दो बहनों का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया, जो देखते ही देखते वायरल होने लगा। वीडियो में देखा गया कि माइका की बहनें रोप स्विंग का आनंद उठा रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया। इसे देख पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। हुआ कि माइका की एक बहन ने रस्सी पकड़कर जंप लगाई, लेकिन बीच रास्ते में उसके हाथ से रस्सी टूट जाती है, लेकिन गिरते समय वो हवा में कुछ इस तरह से अटक गई कि मानो उन्हें कोई अदृश्य चीज ने पकड़कर रोका हो। खैर, लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ ये बात आज भी एक रहस्य है, लेकिन आपके इस पर क्या विचार है नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लिप में देखा गया कि कैरी और लैरी रूज नाम की कपल का चीको नाम के ची हुआ हुआ प्रजाति का मासूम सा पप्पी घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक शियार पहुंच जाता है और उनके छोटे से पप्पी पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब चीको की आवाज़ सुनकर मालिक कैरी और लैरी दोनों भागकर बाहर आते हैं और अपने डॉग की खोज शुरू कर देते हैं। उन्हें शियार के हमले की भनक लग चुकी थी, लेकिन कैरी ने संयम बरतते हुए शांति से सोचा और तुरंत अपने घर में रखा एयर हॉर्न लेकर वापस बाहर आई। गौरतलब है कि कैरी की यह तरकीब कारगर साबित हुई। उसने जैसे ही एयर हॉर्न बजाया वैसे ही सियार घबरा गया और उनके चीको को छोड़कर भाग निकला। चीको को मामूली चोटें तो आई, लेकिन हॉर्न बजाने के कुछ सेकंड्स बाद वो भागते हुए वापस जिंदा उनके पास आ गया। मासूम पप्पी को बचाने वाले कैरी की समझदारी और हाजिर दिमागी के लिए एक लाइक तो बनता है। मौत को छूकर टक से वापस आना इस जिंदगी में किसे कहते हैं, इस बात का एक नमूना सितंबर 2021 के दौरान न्यूयॉर्क की ब्रोनेक शहर में मौजूद एक अपार्टमेंट में देखने को मिला। हुआ है कि ब्रोनेक शहर की रहने वाली एक महिला अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद देर रात को लगभग 2 बजे घर लौट रही थी, लेकिन इस दौरान उसने महसूस किया कि एक व्यक्ति उसे अकेला पाकर काफ़ी समय से उसका पीछा कर रहा है और उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुँच चुका है। सीसीटीवी क्लिप में इस शख्स को महिला का पीछा करते हुए अपार्टमेंट में घुसते हुए देखा जा सकता है, लेकिन महिला को अपने पीछे लगे इस शख्स का अंदेशा पहले ही हो चुका था। ऐसे में महिला ने अपार्टमेंट में घुसने के बाद तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाई और बिना एक पल गवाए भी घर में घुसकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। गनीमत रही कि वो शख्स महिला के घर में घुसने के चंद सेकंड्स बाद पहुंचा और बाहर ही खड़ा रह गया। यहाँ अगर चंद पलों की देरी भी होती और वो महिला के साथ घर के अंदर घुस सकता था और अंदर जाकर चोरी डकैती के अलावा महिला के साथ और क्या क्या कर सकता था, आप सोच ही सकते हैं।
सितंबर 2019 के दौरान नई दिल्ली में स्थित ओखला में ये वाकया देखने को मिला। वो है कि ओखला की रहने वाली एक महिला अपने काम से बाहर जाकर घर के लिए लौटती है और रिक्शा वाले को पैसे देने के बाद घर में जाती है। लेकिन महिला जैसे ही घर के अंदर वापस जाती है, वैसे ही उसके पीछे एक लड़का आता है और महिला के घर में घुसकर महिला के गले से चेन तोड़कर पीछे खड़े अपने साथी बाइकर के साथ बैठकर फरार हो जाता है। चोरों ने यह सब इतना तेजी से किया कि महिला को समझ तक नहीं आया कि उसे कब क्या करना चाहिए। बेचारी वहीं खड़ी देखती रह गई और चोर उसे चूना लगाकर 9:11 हो गए। सड़क पर अक्सर हमें हिट एंड रन यानी गाड़ी ठोककर भागने के कई केसेस देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे केसेस में व्यक्ति को किसी और की गलती की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल के रहने वाले टेरी ज़मोरे नामक एक मोहतरमा अपनी सूझबूझ और होशियारी से इसका शिकार बनने से बच निकली। कैसे, चलिए आपको भी शॉर्ट में समझा देते हैं। हुआ है कि अप्रैल 2021 के दौरान टेरी अपनी कार से जा रही थी, लेकिन रास्ते में तिराहे पर दूसरी सड़क से आ रही एक मूर्ख महिला ड्राइवर बिना साइड और बिना सिग्नल देखे अपनी कार सड़क पर ले आती है और टेरी की कार से टकरा जाती है। टक्कर के बाद टेरी उस महिला को उस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जब वह गाड़ी से बाहर नहीं आती तो होशियार टेरी उसकी कार की बोनट पर चढ़ जाती है। अब वो बाहर आने पर मजबूर हो गई और बाहर निकलकर अपना टूटा हुआ बोनट संभालने लगती है। लेकिन जैसे ही टेरी उसके बोनट से नीचे उतरी, वैसे ही मोहतरमा मौका पाकर भागना शुरू हो गई। मगर टेरी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट कर महिला का पीछा शुरू कर दिया और कुछ ही दूर जाकर एक पार्किंग में महिला को दबोच लिया। ये देख महिला कार से बाहर आई और उल्टा टेरी को ही पागल बताने लगी। लेकिन गुस्साई टेरी जैसे ही कार से बाहर आई तो मोहतरमा दबे पाव वापस आकर कार में बैठने लगी। लेकिन जाबाज टेरी ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और महिला के पीछे पीछे कार के अंदर घुसते हुए महिला की कार की चाबी निकालकर अपनी कार में आकर बैठ गई। अब महिला टेरी के पीछे आकर उससे कार की चाबी मांगने लगी, लेकिन टेरी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और तुरंत पुलिस को बुलाकर पूरी कहानी समझाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस ने मोहतरमा पर हिट एंड रन के साथ एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज किया। मार्च 2015 के दौरान मलेशिया में किसी जगह रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक लड़की सुनसान सड़क पर जा रही थी कि तभी उसके सामने से एक बाइक सवार चोर आता है और उसे धमकाते हुए उसका पर्स छीनकर पैदल ही भाग जाता है। लेकिन लड़की चोर से कहीं ज़्यादा शातिर निकली। मोहतरमा अपना पर्स चोरी होने के बाद चोर महाशय की बाइक लेकर ही रवाना हो गई। खैर, वीडियो देखने में स्टेज दिखाई पड़ता है, लेकिन हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये वाकया डेली मेल जैसी दिग्गज वेबसाइट भी अपने आर्टिकल में दिखा चुकी है। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देखेंगे कि एक बाइक सवार चोर सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं को लूटने की प्लानिंग बनाता है और उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन महिलाएं चोर जनाब की सोच से कहीं ज़्यादा तेज निकली। महिलाओं ने चोर की नीयत को भांपते हुए बारी बारी से अपने पर्स को पास में मौजूद एक घर में फेंक दिए और चोर के इरादे पर पानी फेर दिया, जहाँ एक विशालकाय अजगर का महज नाम सुनने भर से ही हमारे शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है। वहीं क्या हो अगर आपके सामने एक विशालकाय अजगर आ जाए जिसे उठाने भर के लिए महज जेसीबी की जरूरत पड़े। खैर, आशा करते हैं आपको ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को नहीं मिले। लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगभग 20 फुट लंबे और 100 किलो वजनी एक अजगर को देखा गया। अजगर इतना बड़ा और भारी था कि इसे एक जेसीबी मशीन की मदद से उठाकर रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। वीडियो पर किसी ने दावा किया कि ये 16 अक्टूबर 2021 के दिन झारखंड में स्थित धनबाद के जंगलों में देखने को मिला, लेकिन असल में ये भारत का वीडियो था ही नहीं। ये वीडियो असल में कैरिबियन देश के डोमिनिका में रिकॉर्ड हुआ था, जिसे अलग अलग टाइटल के साथ वायरल कर दिया गया। वैसे अगर आपके सामने ऐसा विशालकाय अजगर आ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाल ही में अगस्त 2021 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले नाथन मैरिटिन उस समय हैरान रह गए जब फिशिंग के दौरान एक अजीबोगरीब मछली उनके कांटे में फंस गई। दरअसल मार्टिन अपने भाई के साथ मछली पकड़ने के लिए नॉर्थ कैरोलिना के जेनेटस घाट पर गए थे, लेकिन इस दौरान उनके कांटे में एक ऐसी मछली आई जिसके दांत बाकी आम मछलियों की तरह न होकर हम इंसानों जैसे थे। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं था जब इंसानों के दांतों जैसी मछली देखने को मिली। इससे पहले भी दुनिया भर में कई बार ऐसी मछलियां देखी जा चुकी हैं। साथ ही अब तो ये भी पता चल चुका है कि ये मछलियां शीप शैड प्रजाति की मछलियां होती हैं और इन्होंने अपने सर्वाहारी भोजन को खाने के लिए इंसानों जैसे दांत ईजाद किए हैं। अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे ट्रक में वजन ज़्यादा होने के चलते ये वापस नीचे की तरफ चलने लगता है, लेकिन खुशामदी से ट्रक कुछ ही दूर चलने के बाद पीछे दीवार थी और ये इसमें टकराकर रुक गया। यहाँ अगर ट्रक को स्पीड के लिए थोड़ी और जगह मिल जाती तो ये दीवार को भी तोड़ सकता था।
मोहतरमा की होश उस समय उड़ गए जब वे बीच सड़क पर खड़ी होकर टिकटॉक वीडियो शूट कर रही थी और उन्हें किसी कार ड्राइवर या किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक रैम ने आकर किनारे हट जाने की चेतावनी दी। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।